हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे शो विदाउट प्रेजुडिस में। हम उन मुद्दों को डिस्कस करते हैं जो कि सीधे आपसे जुड़े हैं। आज का हमारा मुद्दा है लिव इन रिलेशनशिप्स, जो कि अर्बन सिटीज में एक बढ़ता हुआ फिनोमेना है। बहुत से कपल्स लिव इन रिलेशनशिप्स को ऑप्ट कर रहे हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको लीगल सैंक्शन दे दिया है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में ऑलरेडी लीगल प्रोविजंस अवेलेबल हैं। इसको डिस्कस करने के लिए हम मिलेंगे मेरे दो बहुत ही खास दोस्तों से, जो कि ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लेकिन उनसे मिलने से पहले आइए कुछ लोगों की राय जानते हैं। डू यू अप्रूव ऑफ लिव इन रिलेशनशिप बिफोर मैरिज? वेल एक्चुअली फ्रॉम द कल्चर दैट वी आर ऑल कमिंग इन द इंडियन सोसाइटी, आई डोंट थिंक वी आर येट रेडी फॉर लिव इन रिलेशनशिप। And I'm talking about the serious living relationship, not just for the heck of it that you're living with somebody and then finding you're living with somebody else, but it's like serious living relationship, which I don't think people have actually understood the meaning and the value of it in the Indian society, so they should not try for that. Normal marriage seems to be too much for long-term commitment, so I think living relationships are excellent. Try it out. If you don't like it, leave it. No strings attached. I think it's a really good thing. I hope it works in India and the society approves of it. Personally, no. The term of the marriage gets done once you start a live-in relationship. That is what I think. So it's better to leave things as they are. Personally, I would not agree for a live-in relationship because I believe that, you know, live-in relationship would rather create a lot of confusion, and, you know, you don't have, your value system is basically affected because of live-in relationship. But then it's people's choice. If they want to live in, it's totally their option. Personally, I would never agree with it. According to the thing in our custom, it is not good. Just before marriage, living together. Actually, I don't like before marriage, living relationship. Everything should be after. I agree to this concept. I think before you finally decide to get married to someone, it is important to know that person while staying with him. I think they're fine as long as the two adults who agree or who want to go for a living relationship, I don't see any problem in that. मैं बैठा हूं अपने दो बहुत ही खास दोस्तों के साथ, स्वाति हाय गौरव और राहुल हाय। आज संडे मॉर्निंग है और मैं यहाँ पे आ गया हूँ, सब बढ़िया? अभी तक तो। आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आप दोनों कब मिले? हम जानते ही दूसरे को तीन साल से है और इस रिलेशनशिप में वी आर इनटू लास्ट वन ईयर। आप लोग एक साल से, एक डेढ़ साल से एक साथ रह रहे हैं, तो कैसा लगता है एक साथ रहना? अच्छा। अभी तक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल आल्सो बाय द टाइम्स। और सच कहूँ तो उतना वक्त नहीं हो पा रहा है अभी भी, कि वी आर बिजी इनटू अवर प्रोफेशनल लाइफ आल्सो, सो वी जस्ट गेट अ वेरी लेसर टाइम टू मीट ईच अदर। एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम बातें होती, जितना भी होता है एट द इवनिंग टाइम। समटाइम्स ही नेवर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस ओनली, तो ऐसा होता है। सो अभी भी वी थिंक दैट वी स्टिल नीड सम मोर टाइम टू स्पेंड। मतलब हम कह रहे हैं, शिकायत है ऑफिस से कि वहां से तो जल्दी छुटकारा मिले तो हम एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त बिता पाएंगे। बट एनीवेज, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी? कॉफी वुड बी परफेक्ट ऑन अ संडे मॉर्निंग। श्योर, चल वेट, आई विल गेट इट। ओके, आप लोगों ने क्यों डिसाइड किया कि आप लोगों को एक साथ रहना चाहिए? द थिंग इज कि वी आर मीटिंग टू ईच अदर फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स एंड इस दौरान हमारी मुलाकातें ज्यादा हो गई और हम एक दूसरे के कुछ ज्यादा करीब आ गए थे और हमें ऐसा लगा कि बिफोर गेटिंग मैरिड वी शुड प्रोबेबली स्पेंड टाइम विद ईच अदर टू नो पर्टिकुलरली कि क्या जरूर ये सीरियसली वी आर इनटू अ डीप रिलेशनशिप और इनटू अ डीप इमोशन थिंग और या जस्ट एक सिर्फ अट्रैक्शन है। वी वांटेड टू फिगर इट आउट एंड एक्चुअली हम एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा कि वील स्टेप इनटू अ लिविंग रिलेशनशिप सो दैट वी कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम विद ईच अदर एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। वैसे अभी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग टच वुड कुछ अच्छी चल रही है, मैच हो रही है, शी अंडरस्टैंड माय नीड्स एंड इवन आई अंडरस्टैंड हर नीड्स, सो वी आर गिविंग द स्पेस आल्सो टू ईच अदर। ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा जाता है और कहा जाता है कि आप पता लगा के आइए। मुझसे पूछा जाता है कि फिल्मों में और टीवी शोज में बहुत ही ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है लिव इन रिलेशनशिप्स को कि ओ दे आर सो कूल। ग्लैमर तो नहीं है ऐसा, एक्चुअल में होता है? नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फिल्मों में जो होता है वो ग्लैमरस उन्हें दिखाना पड़ता है और रियलिटी में मेक बिलीव, मोर मेक बिलीव एंड मेक इट लुक गुड ऑन स्क्रीन, मोर गुड ऑन स्क्रीन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, रियलिटी में तो वी आर यूजुअली मीटिंग अप
we are staying with each other, we are spending time with each other, so reality means everything is cool. We can say it is cool, but it is not at all glamorous. No, absolutely. Or after coming back from office, how can you think about glamour when one needs to relax and just talk? So, live-in relationships, jo hai, they are something like a bridge between dating and marriage. So, aise relationships se kya expectations hoti hain? Expectations utni nahi rakhte hain. Hum log ek dusre se aur space dete hain aapas mein khud ko taki हम खुल के एक दूसरे को समझने की कोशिश करें. जबरदस्ती के एक्सपेक्टेशंस को लगा देना, आई डोंट थिंक सो दैट विल वर्क आउट. एंड अकॉर्डिंग टू माय व्यूज, डेटिंग में होता ऐसा है कि यू मीट अ पार्टनर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, कुछ खास वक्त के लिए तुम मिलते हो, उसे बाहर मिलते हो कहीं पे, वेर यू डोंट गेट टू जज योर पार्टनर परफेक्टली, वेर ही डेफिनेटली ट्राइज टू हाइड हिज, उनके जो भी खामियां है वो छुपाने की कोशिश तो जरूर करता है. अगर जैसे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है तो ही विल नॉट ट्राई कि चलो थोड़ी देर मिल रहे हैं तो यू नो लेट्स स्टॉप इट, अभी लेट नॉट दैट कम इनटू इट. बट हियर व्हाट हैपेंस, वी आर फ्री, वी आर ओपन एज अ मिरर, जो भी टेंशन है व्हाट एवर देयर इज वी शेयर एवरीथिंग. होता ऐसा है कि डेटिंग में बाद में पता चलता है व्हेन यू स्टार्ट स्टेइंग टुगेदर कि यार जैसे पहले मिलते थे वैसे नहीं है, ये कुछ और ही है. exactly. कुछ और दिखाता था या कुछ और दिखाती थी, बट रियल लाइफ में इज नॉट लाइक दैट. गेट टू नो अ पर्सन. और ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि वी आर मीटिंग फॉर अ लिमिटेड टाइम, सो सारी बातें शेयर करना भी पॉसिबल नहीं हो जाता. सो वी आर स्टेइंग टुगेदर फॉर मोस्टली सारी बातें एज इन अच्छी बातें फिर करते हैं, वी डोंट गिव टेंशन एंड ऑल. तो एक दूसरे के प्रति शायद ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाते अगर साथ में नहीं. एग्जैक्टली, इफ देयर इज एनी ग्रजेस एंड देन यू हैव टू गो बैक टू सम अदर प्लेस, इट इज नॉट सॉल्व. फर्स्ट इट यूज टू हैपन विद अस आल्सो, बट नाउ इट्स लाइक वी नो एट द एंड ऑफ द डे वी आर कमिंग बैक टू वन प्लेस एंड वी नो दैट वी विल रिजॉल्व अ प्रॉब्लम. टेल मी समथिंग नाउ दैट ही इज नॉट हियर, कि यू नो यू लिविंग टुगेदर एंड यू कम बैक टू ईच अदर एट द एंड ऑफ द डे, आप लोग आप कभी शादी के बारे में नहीं सोचती? अभी तो टाइम है नहीं सोचने का, बट वाई नॉट, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, बट अभी वी आर नॉट थिंकिंग टूवर्ड्स इट बिकॉज वी आर बिजी विद आवर करियर ऑल्सो एंड आई हैव टू गो आउट ऑल्सो अभी. सो लेट्स, मैं इनसे पूछ रहा था कि आप लोग शादी के बारे में नहीं सोचते? अभी तक तो नहीं सोचा है, बिकॉज फर्स्ट लेट अस ट्राई टू गेट अंडरस्टैंड ईच अदर प्रोबेबली. और है ऐसा कि बिजनेस और वर्क लोड इतना है, ऑफिस वर्क इतना है कि वी आर नॉट गेटिंग टाइम टू थिंक अबाउट मैरिज एंड ऑल, क्योंकि शादी के बाद हमें ऐसा लगता भी है तो नहीं मिलेगी. ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, छुट्टी भी नहीं, अगर शादी भी करना चाहे तो छुट्टी नहीं मिलेगी, बिकॉज द लाइफ इज गेटिंग सो फास्ट एंड देयर इज लॉट ऑफ वर्क लोड एंड ऑल दिस थिंग्स. बट मैरिजेस भी फिर सोचते कि इट कम्स विद सम ऑफ अ लॉट ऑफ बंडल्स ऑफ लीगल बैगेजेस एंड ऑल दैट, क्योंकि वक्त ऐसा है कि हम एक दूसरे को ही वक्त नहीं दे पा रहे, तो व्हाट अबाउट फैमिली? आफ्टर मैरिज फैमिली एंड एवरी ऑल द रिलीजन्स एंड कास्ट एंड ट्रेडिशंस एंड everything gets involved into it. It's not we don't like them, but right now we are looking for a secured future. Secured, I guess. And after that secured future, we'll think about okay, now we can move ahead if the compatibility is still left. तो आप कुछ legal baggage के बारे में कह रहे थे. तो आजकल ऐसा हो रहा है कि live-in relationships legalize हो रहे हैं. West में हो चुके हैं कई देशों में. India में एक दो states में हुए हैं. Supreme Court ने ruling दी है. तो क्या वो लीगल बैगेजेस यहाँ लिव इन रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे? नहीं, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे, इनफैक्ट वो प्रॉब्लम्स को काफी हद तक सॉल्व करेंगे, आई थिंक सो. क्योंकि होता ऐसा है कि हियर यू आर लिविंग अकॉर्डिंग टू योर, लाइक एक दो एडल्ट होते हैं जो अपनी मर्जी से एक साथ रहना चाहते हैं, टेक एंड टेक योर ओन डिसीजन. वैसे यहाँ पे वो सोचते कि हम ये राइट्स ले सकते, ये डिसीजन ले सकते कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे probably, लेकिन अगर इसमें कोई अभी लॉज नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर लॉज होते भी है तो डेफिनेटली इट विल बी मोर सिक्योर टू लिव इनटू सच अ रिलेशनशिप. एक्चुअली मेनी ऑफ माय फीमेल कलीग्स हैव आस्क्ड मी कि हाउ आर यू हैव टेकन दिस बिग स्टेप एंड दे आर क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट दिस. सो इफ देयर विल बी सम काइंड ऑफ लॉज एंड लीगल प्रोविजंस, दे विल फील फ्री एंड दे कैन आल्सो थिंक अबाउट इट. लीगल पार्ट कम्स अकॉर्डिंग टू फीमेल ज्यादा इसके बारे में, दे आर एक्सप्लॉइटेड एंड दे आर मोर वल्नरेबल आफ्टर मैरिजेस. So in this relationship, you have that kind of freedom that to move out and to have your own word as a identity, individuality, what you say. Live-in relationships mein vulnerability, exploitation ka point nahin aata hai. It depends on person to person, I guess. But for females, you are saying? Yeah, for females. Yeah, I don't think so because they have full right. They have decided this on when they are deciding to move in. They are deciding ki on these parts.
कि ओके दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग सो इफ आई फील एक्सप्लॉइटेड ऑब्वियसली आई विल मूव आउट ऑफ इट देयर इज नो काइंड ऑफ बर्डन एक्चुअली लाइक आई कैन गिव हर अ स्पेस व्हेनेवर शी वांट्स हर फ्रीडम शी वांट्स टू एंजॉय इट हरसेल्फ और इवन आई वांट टू वाइस वर्सा आई नेवर स्टॉप वी बोथ गिव ईच अदर दैट स्पेस सो इट्स अ वेरी ओपन रिलेशनशिप सो देयर आर नॉट काइंड ऑफ एनी बर्डन्स You have to look after your family, you have to look after the house, or you have to look after have to the look after responsibilities him. And all yeah, that. Okay. Our show पूरी दुनिया में एयर होता है. Okay. Usually जो इंडियंस जहाँ पे ज्यादातर रहते हैं वहाँ से हमें बहुत फैन मेल्स आते हैं इंडिया से भी बाहर से भी हमारी फैंस तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं वहाँ से भेजे गए जो कि मैं आपको पूछूंगा आपसे सबसे पहला सवाल एक ये है कि वर योर पेरेंट्स ओके विद सच अ रिलेशनशिप No, they know about it, but they are not so happy with it. They are saying ki if you are already into such a relationship where you are knowing each other, you are understanding, you are loving each other, then why don't you get into a marriage? They are saying like that. And they are not happy that we are staying together before marriage like this in a live-in relationship. They so don't they have are not problem okay. with it. They know ki, okay. Hmm. They have also said ki, okay, if he's a good person, good man, then get married and live. They still have those kind of thoughts. Thoughts. And, It's better to get married and stay together when you are living. So, अब एक बहुत ही interesting question है कि आप दोनों में से खाना कौन बनाता है? He cooks Chinese well, very good. खाना actually होता ऐसा कि late आता है रात को तो whenever she comes earlier, she prepares or whenever I come earlier, I prepare it. Or else we just go out for dinner at night. Okay, this question was sent to me. The next question that I'm going to say it was sent to me from this person in Patna. उन्होंने मुझसे पूछा है कि Was it difficult for both of you to find a house when you decided to move in? Yeah, actually, शुरुआत में problem हुई थी where owner used to ask us for कि क्या आप दोनों के घर वाले जानते हैं तो आप शादीशुदा नहीं है तो हम आपको flat कैसे देकर कोई problem हो and all that blah blah whatever. They have more of moral issues actually, not any social other and moral. We don't get back to house only. We get back at late at night, so there's no disturbance, but more of a moral issues. Yeah, people are not so open to it. Yeah, still they are not so open. मेरे पास दो क्वेश्चन और बचे हैं एक तो ये है कि आप लोग मनी कैसे शेयर करते हैं हियर इट कम्स कि एक लिविंग रिलेशनशिप का एक और एक बेनिफिट जो होता है कि आफ्टर मैरिज यू कैन कॉल इट अ बेनिफिट ओनली वेयर द मेल पार्टनर इज नॉट हैविंग द कंप्लीट बर्डन ऑफ फाइनेंस वेयर इनटू मैरिज यूजुअली होता है लेकिन आजकल की लाइफ चेंज हुई वेयर इवन वाइफ्स आर वर्किंग But still, here ऐसा है कि we are sharing pressure from the in-laws ना कि ask her to stop work, stop working and look after the child. वो सब फेस करना पड़ता है. The husband is ready to send her for work, but सिर्फ family members कहते कि नहीं यार घर में देखना चाहिए घर की बहू and all that stuff comes in. But here we are probably giving that space also to each other. We are sharing the finance also, चाहे वो rent हो या फिर खर्चे हो whatever. And we are also saving for a future where we are planning a future. एक फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपना फ्यूचर कैसा देखते हैं आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्यूचर तो हम डेफिनेटली एक अच्छे मैरिड कपल बनके और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहेंगे बट फॉर दैट द रीजन वी आर ट्राइंग टू चेक आउट राइट नाउ वी आर लिविंग इन टू लिव इन रिलेशनशिप वेफ अभी तो हम लग रहे हैं ऐसा लग रहा है वी आर staying into present yeah we are so let it live in flow. present live in present let's go let with the flow, flow. whatever is happening what's there stored for us okay so we are happy whatever we are into right now situation so we are happy with it okay so thank you for inviting me over you, on Gaurav. a sunday morning thank you so ki aapki free nahi rehti hai usually yeah and fir kabhi aur fir se bhet hogi kisi aur mudde par aapse to ye tha aaj ka hamara show live in relationships pe aaj hum mile swati se aur hum mile rahul se जो कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं अगले हफ्ते कोई और मुद्दा कोई और लोग विदाउट प्रेजुडिस दिस वाज वेरी गुड